हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्यूटोरियल्स पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सरल जॉइंट के बारे में, फोर्थ टाइप ऑफ दी साइनोवियल जॉइंट। हमें पता है साइनोवियल जॉइंट सबसे ज़्यादा मूवेबल होते हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मूवेबल होता है दी सरल जॉइंट। नाउ इन दी अर्लियर वीडियो हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ ली हैं? हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, एलिप्सॉइड। आज हम पढ़ेंगे दी सरल जॉइंट। बिफोर लर्निंग अबाउट द सैडल जॉइंट, हमें यह पता होना चाहिए कि सैडल जॉइंट को हम सैडल जॉइंट क्यों कहते हैं। सैडल जॉइंट, सैडल का मतलब क्या है? सैडल, जो हॉर्स के ऊपर एक सीट प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं सैडल। और जो हमारी बॉडी में सैडल जॉइंट होता है, उसमें दो बोन्स होती हैं। एक बोन का शेप होता है हॉर्स के बैक जैसा, और दूसरे का शेप होता है जो ऊपर प्रेजेंट होती है इस सैडल जैसा। इसलिए हमारे इस सैडल जॉइंट को हम सैडल जॉइंट कहते हैं। देखते हैं कैसे। क्या आप देख सकते हो ये वाली बोन? ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे हॉर्स की बैक हो, और ये ऊपर वाली ऐसे लग रही है जैसे सैडल हो। इसलिए इस कनेक्शन को हम कहते हैं सैडल जॉइंट। ये जॉइंट कॉन्डाइल जॉइंट जैसा ही होता है, एक एलिप्टिकल एक कॉन्डाइल, बट इसमें इंटरलॉकिंग ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और दो बॉन्ड्स के बीच में या जॉइंट्स के बीच में ये आता है, कैन यू गेस? हिंज के बीच में, और दूसरा है बॉल और सॉकेट के बीच में। क्योंकि हिंज में एक कॉन्वेक्स होता है और दूसरा कॉनकेव होता है, तो इसमें भी एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव। दूसरा बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट में एक बोन में दूसरी बोन फिक्स हो जाती है, इसमें भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है बट इंटरलॉकिंग ज़्यादा है। इसी जॉइंट की वजह से हमारा थंब इजीली मूव कर पाता है। सो बेस्ट एग्जांपल सैडल जॉइंट का है थंब। हेयर वी कैन सी दिस पोर्शन इज शोइंग दी सैडल जॉइंट। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला कैसा है? बैक ऑफ द हॉर्स, हॉर्स की पीठ जैसा है, और ये ऊपर वाला कैसा है? जैसे सैडल लगा हुआ हो। इसीलिए ये पार्ट दी जॉइंट, ये थंब का जॉइंट कैसा लगता है? इजीली मूवेबल, यू कैन मूव इट इजीली। सो इन दिस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट व्हाई अ सैडल जॉइंट इज कॉल्ड एज सैडल जॉइंट, और क्यों हमारा ये जो थंब है वो बहुत ज़्यादा मूवेबल है। नाउ वी नो इट्स बिकॉज ऑफ सैडल जॉइंट। आई होप यू हैव लर्न वेरी वेल। थैंक यू। TutorialsPoint.com. Simply easy learning.